नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। 45वीं सालगिरह किसकी तो आपातकाल की। आपातकाल यानी क्या? इमरजेंसी, वह एक शब्द जो विरोध के नाम पर इस समय हर बार सुनाई दे रहा है। उसकी सालगिरह आ रही है तो इस पर बातचीत करने के लिए कौन उपयुक्त व्यक्ति हो सकता है? वह जिसने इसे अनुभव किया हो, जिसने इसे जेल में महसूस किया हो। तो वह कौन है? वह आजकल इन्वायरमेंट पर लिखते हैं, एनर्जी पॉलिसी पर लिखते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पर लिखते हैं, डिजिटल के क्षेत्र पर लिखते हैं और न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ हैं प्रबीर पुरकायस्थ। तो उनसे बात करते हैं। तो पहला सवाल तो कुछ आज के वर्तमान पर आने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने उसे महसूस किया था जेल में और उस दौरान आप मौजूद भी थे, तो उस दौरान के समाज और राजनीति के हवाओं का रुख क्या था आपातकाल के समय का? देखिए, एक बात तो ये है कि मैं अपनी बात पहले कह लूं कि इमरजेंसी के दौरान अगर आप जेल में थे तो एक ऐसी जगह थी वहां पर बोलने पर कोई रुकावट नहीं थी, ठीक है ना। आप जो कुछ चाहे बोल सकते थे क्योंकि और कुछ आपसे आपके साथ अब नहीं हो सकता। दूसरे लोग जो बाहर थे जेल के, बल्कि उनको हर रोज संघर्ष करना पड़ता था, कहाँ तक, कितना दूर तक बोले, क्या करें। तो रेजिस्टेंस की जो माहौल है, जो आज भी है, तभी भी था, तो उसमें जो बाहर थे उनको मेरे ख्याल से ये ज्यादा झेलना पड़ा, ना कि हम नहीं, लोग हाँ, के अंदर। ये बात तो सही है, लेकिन ये आपकी उदारता है। एक नौजवान लड़का जब जेल में पकड़ा जाता है तो डर तो अंदर से रहता है, वो अपने आप में साहस का परिचायक है। अब अपनी आप बात आगे रखिए। वो ठीक है, वो इतना बड़ा करके भी हीरो ना बने, क्योंकि हम लोगों ने सोच के तो जेल गए नहीं थे उस हिसाब से, ठीक है ना। लोगों को पकड़ा गया, लोग पकड़े गए थे और बहुत जगहों से लोगों को उठा लिया गया था। और उस वक्त इमरजेंसी में, मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी की रेजिस्टेंस, वो जो बाहर से थी, उस वो किस प्रकार से थी और उसके खिलाफ सरकार की दमन नीति जो, तो वो क्या था। तो सही है कि जेल एक बहुत बड़ा लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है कि बाहर रह के संघर्ष करेंगे तो इसका अंजाम तो जेल हो सकता है, तो क्या होगा। तो ये हर रेजिस्टेंस में जो भी रहता है, चाहे आज हो चाहे उस वक्त हो, ये सवाल जरूर सबके सामने आता था। हम लोगों के एक एक हिसाब से, मैं इसको बार बार इमरजेंसी की जो चर्चा आती है, मैं कहता हूँ कि हम लोगों को बहुत बड़ा हीरो ना समझे, क्योंकि हमारी ये संघर्ष जब जेल चले गए तब उस वक्त तो खत्म ही हो गया था। अंदर रह के और संघर्ष हम क्या करते, तो इसीलिए जो बाहर संघर्ष करने कर रहे थे उन पर भी निगाह रहनी चाहिए, ना कि जो लोग अपने आप को हीरो घोषित कर दिए क्योंकि 19 महीना, 18 महीना, 12 महीना जेल में रहे, इसके बाद अपने आप को वो हीरो घोषणा कर दिए। ये पिक्चर सही नहीं है। इमरजेंसी के खिलाफ आम जो संघर्ष थी वो उस पर नजर होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आज की बात कहना चाहूंगा, आज भी वही चीज है कि लोग जो बाहर है उनके लिए भी यही सवाल है कि हम इस अपना जो अगर विरोध है तो उस किस प्रकार इसको प्रकट करें। अब देखिए, पहली बात, क्योंकि आजकल हम मीडिया में हैं तो मीडिया की बात करते हैं। उस वक्त मीडिया पर पाबंदी थी, सरासर पाबंदी थी। उस पर आप कुछ लिखते हैं तो पहले आपकी कॉपी पास करनी पड़ती थी। उस वक्त तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थी नहीं, तो प्रिंट को उस तरह से कंट्रोल करना आसान था, क्योंकि प्रिंट के अखबार इतने बड़े, इतने पैमाने पर नहीं था जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस इस वक्त है, या फेसबुक में है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, इस तरह का थी नहीं। पर चिलिंग इफेक्ट तब होता है जब आप सेंसर करते हैं, कुछ चीज खबर नहीं छापती है, या तो आप कुछ लोग जो खबर छापे हैं उनको आप अंदर कर देते हैं। तो ये जो एक चिलिंग इफेक्ट है इमरजेंसी के दौरान था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीडिया उस वक्त एक चुप्पी साधी थी। ज्यादातर मीडिया प्लेटफॉर्म्स साहस नहीं दिखाया था इसके जो हो रहा है उसके खिलाफ कहने के। बाद में जो साहस दिखाया, उस वक्त इमरजेंसी में साहस मीडिया ने नहीं दिखाई थी। इस वक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वॉइसेस आर मेनी मोर, बहुत सारे और आवाज है, और उन सब आवाजों को दबाना मुश्किल है। पर उसके साथ साथ ये भी देखिए कि जब एक दो पर केस लग जाता है, कितने लोग इसके बाद चुप हो जाते हैं, कितने लोगों की जुबान खुद बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये होता है क्या इसके लिए मैं तैयार हूं। तो ये जो एक चिलिंग इफेक्ट है
आज की तारीख पे देख सकते हैं, जैसे विनोद दुआ के केस देख लीजिए, केसेस की जा रही है और एक बड़े ही फ्लिमजी, उसको कोई आधार नहीं है, कोर्ट्स इस पे क्यों नजरअंदाज इसको कर रहे हैं पता नहीं है, पर एक धमकी विनोद दुआ जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को अगर मिलता है कि आप कुछ कहेंगे तो उसके लिए आप पर कहीं भी हम केस दर्ज कर सकते हैं, ये एक चिलिंग इफेक्ट है। उसके साथ साथ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग बड़े परेशान थे, उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य दिखाए कि क्या वो खा रहे हैं, उस पर ये नहीं कि आपने गलत खबर छापा है, उसको एक एंटी दलित केस बना के उसका कोशिश पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज किया गया जर्नलिस्टों के जो स्क्रोल के सुप्रिया के ऊपर है, ऐसे लोगों पर जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट रहे हैं जिंदगी भर और ऐसे कोई उन्होंने ऐसी खबर नहीं छापी जिसे उन्होंने छानबीन करके तथ्य के बिना की हो, इन लोगों पर इस तरह से केसेस किए जा रहे हैं। पहले सिद्धार्थ वरदराजन पर केस कर दिया गया था, मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं पहले अखबारों पे, पहला इमरजेंसी में, इस इमरजेंसी में अगर कहें मीडिया के ऊपर इमरजेंसी की बात अगर कहें तो वो आ रहा है आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है जो रेजिस्टेंस की बात कर रही है, रेजिस्टेंस सड़क की नहीं, रेजिस्टेंस वैचारिक स्तर की जो रेजिस्टेंस है उसकी जो बात कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करना तो सरकार कर रही है। और अगर कानूनी तौर पे देखें तो मान लीजिए कि इस वक्त जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सरकार के पास COVID-19 के नाम पे इस वक्त उनके पास इमरजेंसी पावर्स है, ये भी एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो हम कहते थे पहले, इस वक्त अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, सचमुच एक्चुअली इमरजेंसी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बहुत सारे ऐसे इमरजेंसी पावर्स केंद्रीय सरकार को देती है। और इसीलिए इस इमरजेंसी, इस COVID-19 को मुकाबला करने के लिए एपिडेमिक एक्ट के इस्तेमाल नहीं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को आगे लाए, इसीलिए उसमें उनको पावर्स, केंद्र सरकार के पास पावर्स काफी ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से एक इमरजेंसी इस वक्त डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, इसको अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी भी नहीं, इसको डिक्लेयर्ड इमरजेंसी मान के चलना चाहिए कि COVID-19 के नाम पे आप बहुत सारी चीज एडिशनली कर सकते हो, वो कर भी रहे। तो ये तो रही मीडिया की बात। और दूसरी तरह की रेजिस्टेंस जो है वो आप देख ही सकते हैं, COVID-19 और डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे जितने सारे चीजें हो रही है उससे सड़क पे जो रेजिस्टेंस पहले हो रहा था, खास तौर से जो उनकी NRC CA के तहत जो रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहा था, उस रेजिस्टेंस इस वक्त हो नहीं सकता। तो दूसरा इमरजेंसी तो COVID-19 हमारे सामने पेश कर दिया, और जिसके उसके आंकड़े इस वक्त जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये इमरजेंसी हमारे सामने लगता है जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, 5 महीना 6 महीना 8 महीना ये तो वैसे भी रहेगा। अब इसी में एक बात मैं जोड़ दूंगा आपकी मीडिया वाली बात में, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जो कंटेंट है वह भी सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं कि आप इन कंटेंट को दिखाएंगे। तो मीडिया पर हमने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली। मीडिया के अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं जहां पर आप भी हस्तक्षेप करते हैं, अगर आपातकाल जैसा शब्द आता है तो हम लोग जैसे आज का जो युवक कहता है कहां आपातकाल लगा, संविधान की धाराओं का उपयोग कहां इस्तेमाल किया गया, तो आप बताएंगे कि वो जो आपातकाल था 1975 के समय का और इस समय जो माहौल है, इन दोनों के बीच में क्या समानता और क्या अंतर है? कहा जा सकता है कि नहीं, ये जो समय है उससे भी खतरनाक है। देखिए, कोई चीज जब आती घूम के आती है उस शक्ल से तो आती नहीं है, ठीक है ना। तो ये हम ना समझे उस इमरजेंसी और इस इमरजेंसी, और सही में हम बहुत पहले भी आते रहे हैं कि इमरजेंसी की तरह हम बढ़ रहे हैं, कहते आए हैं कि व्यक्ति आजादी जो है किस तरह से वो खंडित की जा रही है, किस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, ये बातचीत हम कर चुके हैं। और खास तौर से जो रेजिस्टेंस है मुद्दों को लेके, उसके खिलाफ सरकारी रवैया जो है वो किस तरह किस दिशा में जा रही है, इसकी चर्चा हम करते आए हैं, खास तौर से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है। पर अगर इस वक्त देखें तो मैंने जो कहा एक कानूनी इमरजेंसी सचमुच है, ये सिर्फ रवैया नहीं, एक्चुअल कानून की तरह कानून है।
सरकार के पास नॉर्मल टाइम्स में बहुत सारे पावर्स होते हैं, पर उसके ऊपर कुछ अंकुश कुछ हद तक ये रहता है कि लोग सड़क पे आके प्रोटेस्ट करते हैं, अखबार में कुछ चीजें आ जाती है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्योंकि लोगों के पास बड़े पैमाने पे है, सोशल मीडिया है, उसमें आ जाता है, तो रेजिस्टेंस की प्रक्रिया जारी रहती है। इमरजेंसी तब होती है सचमुच जब रेजिस्टेंस की वो प्रक्रिया पर रोक लग जाती है, और इस वक्त रोक दो तरह से लगी है, सरकारी रोक जो मैंने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इनके पास पावर्स बहुत सारे हैं, और दूसरी बात COVID-19 सचमुच एक रोक पैदा कर दिया है कि हम सड़क पे निकल के इस तरह से विरोध नहीं कर सकते। तो आम जनता को मोबिलाइज करके रेजिस्टेंस पे लाना जो इमरजेंसी में हम नहीं कर पाते थे, इस वक्त COVID-19 के वजह से और सरकार की रवैया की वजह से, दोनों वजह से ये हो रहा है। अब याद होगा आपको COVID-19 होने के पहले इस NRC के खिलाफ जिस तरह से आवाज उठी थी, बहुत सारे लोग बहुत जगहों पर इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहे थे, पर ये विरोध सचमुच आगे नहीं चल पाया क्योंकि COVID-19 आ गया, लोगों को उन सब वो रवैये वो उस तरह के एक्टिविटीज बंद करने पड़े। उसके साथ साथ ये भी है जो सरकार उस वक्त कह रही थी कि हम क्या कहते हैं, हम टर्माइट्स, अमित शाह का शब्द भी था कि यहाँ पर जो टर्माइट्स है उनको हम निकाल देंगे, तो ये जो प्रक्रिया था कि घुसपैठिया है, टर्माइट्स है, ठीक है ना, इनको कैसे निकाल दे, इस तरह से जो बातचीत हो रही थी उसमें साफ था एक खास कौम इसके निशाने में, तो ये माइनॉरिटीज के खिलाफ जो पूरी इसकी प्रक्रिया चल रही थी और उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस भी चल रही थी, ये चीज COVID-19 ने बंद कर दिया, पर साथ साथ ये भी बंद कर दिया, सरकार की NPR भी नहीं चल पाया, तो एक हिसाब से युद्ध विराम की स्थिति में वहां हम पहुंचे हैं। तो उसपे ये नहीं कि वो अपना जो कर रहे थे वो करते गए, रेजिस्टेंस खत्म हो गया, दोनों तरह से एक तरह से एक युद्ध विराम है COVID-19 की वजह से। पर अब जो चीजें आ रही है कि सरकार जिस तरह से संदेश चला रही है, जिस बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आपने COVID-19 लॉकडाउन के वक्त लोगों का देखभाल नहीं किया, खास तौर से उन लोगों का जो सबसे जो कहा जाता है इकोनॉमिकली वीक, जिनके पास रोजमर्रे की रोजगार से उनका जीवन चलता है, उनको आप उसके बारे में आपका ध्यान नहीं था, आपने सिर्फ एक प्रशासनिक तौर तरीके अपनाए और इसके वजह से कितने बड़े पैमाने पे आपका यहाँ पर माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन हुआ जो हमने पार्टीशन के बाद देखा नहीं था। और साथ साथ ये भी हुआ कि बीमारी हर लॉकडाउन जिन जिन देशों में हुआ है, लॉकडाउन सचमुच कामयाब हुआ कुछ हद तक बीमारी को रोकने में, हमारे यहाँ बीमार लोगों का रफ्तार खास घटा नहीं है, आज भी मुंबई में करीब 20 दिन में डबलिंग हो रहा है, दिल्ली में करीब 14 दिन में डबलिंग हो रहा है इन्फेक्टेड लोगों की टोटल पॉपुलेशन जो है, और हमारी रफ्तार अगर देखें तो एक स्टेडी रफ्तार है, लॉकडाउन के दौरान भी रहा है अभी भी है। तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए कि हमारी जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए और जो अखबारों में मीडिया में आनी चाहिए, मीडिया के इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया और मीडिया के अलावा इस वक्त और कोई हमारे पास तौर तरीके खास है नहीं जिससे हम रेजिस्टेंस बिल्ड कर पाए, क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस सड़क पे बिल्ड करें जैसे अमेरिका में इस वक्त हो रहा है तो जो हालात है और भी नाजुक होंगे, इसीलिए हम इसके इस पक्ष में नहीं है, मैं कम से कम इस पक्ष में नहीं हूँ कि बड़े पैमाने पे हम आके इसका विरोध करें सरकार की नीतियों की। इस वक्त हमें ओपिनियन बिल्ड करने की जरूरत है और खास तौर से ओपिनियन उन लोगों में बिल्ड करने की जरूरत है जो समझते हैं कि क्या होना चाहिए और हमें किस दिशा में जाना है, और उन क्रिटिकल वॉइसेस के ऊपर ही इस वक्त बंदिश लग रहा है आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की मीडिया हाउसेस पर आपने जो कहा पहले, उन्होंने तो एक हिसाब से यथास्थिति उन्होंने स्वीकार ही कर लिया, जो क्रिटिकल वॉइसेस इस वक्त है वो समूह से निकल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुपों से निकल रहा है, छोटे छोटे मीडिया कहे या सोशल फोर्सेस की आउटलेट जो है उससे निकल रहा है।
तो उन सबको वॉइसेस को दबाने की अगर जरूरत है तब जो है आप कह सकते हैं एक इमरजेंसी प्रक्रिया उसके लिए सरकार क्या चला रही है। और मैंने जो जिक्र किया जिस तरह से केसेस, हम तो चंद केसेस की ही बात की, पर जो बल्क ऑफ द इस तरह की जो केसेस आते हैं छोटे शहर में, छोटे जर्नलिस्ट, छोटे मीडिया आउटलेट्स उन पर आते हैं, और ये बड़े व्यापक रूप से आते हैं और आते आए हैं। अगर देखें कितने लोग जेल जाते हैं, कितने लोग जर्नलिज्म के तहत मरते हैं, मारे जाते हैं, तो उनकी संख्या छोटे शहरों में, छोटे कस्बों की जो रिपोर्टर्स है उन पर ज्यादा है, मेट्रोपॉलिटन बची रहती है इसमें। पर इस वक्त तो हम और आप जब बात करें तो भी देखेंगे कि बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है, स्क्रोल और वायर दोनों, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया में, सबसे ऑल्टरनेटिव हम नहीं कहना चाहेंगे, डिजिटल मीडिया इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए टेलीविजन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम से पुकारा जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ऑल्टरनेटिव टू व्हाट आता है, हम ऑल्टरनेटिव नहीं है, हम अपने आप को सही उस रास्ते जो मीडिया होना चाहिए हम वही है, हम उसकी ऑल्टरनेट नहीं है। हम जो कुछ कह रहे हैं, हमारे अभिसार भी कई कहते हैं गोदी मीडिया और सही मीडिया, यही दो पहचान है। तो मीडिया की कुछ जिम्मेदारियां है, कहते ना स्पीक ट्रूथ टू पावर, ठीक है ना, तब ये तो हम पावर पावर टू अदर वॉइसेस दिखा रहे हैं इस वक्त। वी आर नाउ सीइंग पावर बीइंग एक्सप्रेस्ड अगेंस्ट डिजिटल मीडिया, और वही आप देख, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि जो मीडिया की सार्थकता है वो हम लोग उसको निभा रहे हैं। लेकिन अब इसके अलावा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि इन दो महीनों को छोड़ दे, जब कोविड स्टार्ट हुआ है, उसके पहले भी अगर आप देखें तो जिस तरह से सरकारों ने संस्थाओं को घेरा है और उसको दबाया है, सीवीसी को, उच्चतम न्यायालय को, सीबीआई को, कैग को, उससे भी तो ऐसा लगता है कि आपातकाल दिया नहीं गया लेकिन एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है जो एकदम आपातकाल जैसी है। नहीं, क्वालिटेटिव फिर भी फर्क रहता है, क्योंकि मैंने जो कहा मूल जो इशू है वो सरकारी शक्तियां क्या करना चाहती हैं वो सवाल नहीं है, सवाल है कि उसका क्या हम रेजिस्टेंस कर सकते हैं क्या, और उस रेजिस्टेंस की फॉर्म्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपातकालीन स्थिति तब होती है जब आपको उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करने की भी न्यायिक रूप फॉर्म्स आपके पास नहीं होते हैं, लीगल फॉर्म्स आपके पास नहीं होते हैं, तब मैं इसको आपातकाल कहना चाहूंगा, क्वालिटेटिवली अलग हो जाता है। दूसरा चीज है वो केंद्रीयकरण, अनडेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन, ये शब्द लेकिन देखिए ना, राफाल के मुद्दे में अब कैग ने क्या कहते हैं कि राशि ही नहीं लिखी, पीएम के केयर्स बना दिया गया जो कैग छानबीन ही नहीं कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के हम डिसीजन देखें, तो ये बताता है कि उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए सरकार अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। ये तो बहुत ही मतलब अंधेरे में चलने जैसा हो गया है नागरिकों के लिए। मैं आपसे इस आपसे असहमति नहीं जचा रहा हूँ इस रवैया के ऊपर। मैं रवैया और हकीकत फर्क तब आता है कि आप क्या कर सकते उससे। इरादा सरकारी कोई भी सरकार हो, इरादा बहुत नेक नहीं होता है। जब क्राइसिस नहीं होता है तो बड़े उदार भाव दिखाते हैं, जब थोड़ी सी राजनीतिक संकट आती है तब इमीडिएटली वो सब खत्म हो जाता है, तब केंद्रीयकरण, ऑथोरिटेरियनिज्म जाग उठता है, क्योंकि सत्ता की मोह जो है बहुत क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रांग होती है, और इसीलिए जनतंत्र, जनवाद उस वक्त कुछ हद तक कमजोर हो जाता है, जो लोग सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ शक्तियों के लिए। पर मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा कि देखिए अभी भी न्यायालय जो है अगर करना चाहे कर सकता है, ऐसा नहीं उनके पास पावर्स नहीं है। अब देख ही सकते हैं कि इस वक्त हाई कोर्ट्स की जो रवैया है कुछ जजेस की, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है, उस चीजों को उन चीजों पर स्टे ऑर्डर दे रही है। अभी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सारे फैसले दिए हैं जिसपे सही चीज बताने के बाद
कोई ठोस कदम उसके लिए नहीं लिया। ये बताया कि कश्मीर में जो हो रहा है ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानने के बाद रवैया क्या, जजमेंट क्या आया, सरकार इसको खुद जांच के हमको बताए क्या करेगी। तो मतलब आपने स्वीकार कर लिया है कि जैसे इंटरनेट ना देना, अभी 2G वहां पर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। अब जानते ही है कि आपको फॉर्म भी फिलअप करना है किसी इंस्टीट्यूशन का, 2G के तहत होना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह का चीजें उनके सामने था, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, फिर भी अल्टीमेट जजमेंट जो है उसमें उन्होंने सरकार की बात ही मान ली। तो ऑपरेटिव टर्म्स में वो कह रहे हैं, वैचारिक स्तर पे तो जो सही चीज है उसको कह रहे हैं, पर ऑपरेटिव टर्म्स में और कुछ नहीं कर रहे हैं उसको लागू करने के लिए। ये जो रवैया है सुप्रीम कोर्ट की, और बहुत सारी चीजों में किया है, सबसे बड़ी बात तो बाबरी मस्जिद केस की है, उन्होंने मान लिया कि क्रिमिनल तरीके से इसको गिराया गया। बाद फैसला जो दिया उन्होंने, और बड़ी सूक्ष्म कहीं से बाल खाल निकाल के ये फैसला अल्टीमेटली दिया, चलो उन्हीं का, जिन्होंने गिराया है उन्हीं का हक में फैसला भी दिया गया। तो ये जो चीजें हैं जिस तरह से किया है, तो वो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि कानून का उस तरह से गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर आप देखें तो सही इंटरप्रिटेशन लॉ की करने के बाद जो कोर्ट के सामने आते हैं, जो रिलीफ मांग रहे हैं, उससे रिलीफ उनको नहीं मिल रही है। चाहे जो भीमा कोरेगांव केस में हो, चाहे दूसरे जर्नलिस्ट विनोद दुआ के केस में हो, उनको 2 हफ्ते के लिए तो रद्द कर दी के अरेस्ट ना करें, पर केस फिर भी चलेगा। देखे दूसरे जगहों पे, देखे कश्मीर का मैंने जिक्र किया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक रवैया इस वक्त ये हुआ है कि लॉ सही बताने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद रिलीफ वो कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की खास चीज है। तो क्या ये कानूनी तौर से हुआ है? नहीं, ये कोर्ट के ये पावर्स अभी भी है जजमेंट देने की, पर जिस तरह से वो सरकार के चंगुल में फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हमें नहीं मालूम, पर एक चीज देख रहे हैं कि उस तरह से कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। और पिछले सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस गोगोई साहब को हमने देखा कि जिस दिन चीफ जस्टिसशिप छोड़ी, चंद महीनों के बाद वो राज्यसभा में सत्तारूढ़ दल के नॉमिनेशन एक हिसाब से उस हिसाब से आ गए। तो ये जो चीजें है, दीज आर वॉट आई विल से इंडिविजुअल फेलिंग्स, कि कोर्ट और सिस्टम के तौर से ऐसा नहीं है कि वो रद्द कर दिए गए हैं, जैसे इमरजेंसी के तहत था कि कोर्ट का जजमेंट था, ये भी तभी भी वही था, इसको जबलपुर जजमेंट, ADM जबलपुर केस कहते हैं। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये बरकरार है इमरजेंसी के दौरान, पर इसको अब लागू नहीं कर सकते। तो ये तो बाल के खाल हुई ना आपका कानून का, राइट आपका है बट इट इज नॉट जस्टिसिएबल, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इस राइट को आपको दिलाने के लिए, इसीलिए आप बंद है जेल में, आप बंद रहेंगे, आपका लिबर्टी चली गई। यह गलत बात है, लिबर्टी होनी चाहिए सबको, पर कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, इट इज स्टिल योर फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक आपका अभी भी है कि बिना कानूनी तौर तरीका अपनाए आपको जेल में नहीं, आपकी लिबर्टी छीनी नहीं जा सकती, पर कोर्ट का इसको लागू करने के लिए कोई हक नहीं, इसका कोई अधिकार नहीं होगा। ये जबलपुर हाई जजमेंट था एक्चुअली, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसी तरह कोर्ट भी इस वक्त जस्टिस से, न्याय से अपना रवैया, दृष्टि और को ही ले जा रही है। तो इसको एक फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशन कहना पड़ेगा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी, इट्स अ फेलियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू रन द इंस्टीट्यूशन। सही है, दिस इज अ फेलियर। शुक्रिया इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए, शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.